YouTube पे और Instagram पे बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई आप अपनी वीडियोस की जो एडिटिंग होती है उसे कैसे करते हो, क्योंकि मेरा एक फैक चैनल है और अगर आपका भी एक फैक चैनल है तो आप लोगों को एडिटिंग करना आना चाहिए। और आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि भाई आप लोग कैसे एक फेस वाली वीडियो और एक वॉइस ओवर वीडियो कैसे आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन में क्रिएट कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस एक फेक वीडियो को बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ काइनमासा ऐप का। इस ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा और जो रेशो मैं अपनी वीडियोस के लिए ऐड करता हूँ उसी को आप लोग भी ऐड करना। तो आप लोग देख सकते हो 16:9 इसको आप लोग ऐड कर सकते हो या 1:1 को भी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं 1:1 में ही वीडियोस को बनाता हूँ तो आप लोग उसे सेलेक्ट करना। एंड इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है, आप लोग तब भी वीडियोस को एडिट करो तो आप लोग सबसे पहले अपनी खुद की एक ग्रीन स्क्रीन वीडियोस को ऐड कर लो, मतलब कि शूट करके रख लो। तो आप लोगों ने वीडियोस को शूट कर लिया, अब इसके बाद जो पिक्चर आप लोगों के पीछे बैकग्राउंड में चलने वाली है उसको आप लोग सबसे पहले ऐड करो। तो मीडिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पर मेरी एक फोटो है या वीडियो है इसको मैंने ऐड कर लिया। तो आप लोग देख रहे हो मेरी ये वीडियो जो है यहाँ ऐड हो चुकी है। अब इसके आगे मैं अपना एक वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि क्या है मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है तो मैं उस वीडियो को यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन में शूट करी हुई को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो मैंने ये वाली वीडियो इसको ऐड करा एंड इसके बाद आप लोग देखो मैं इसको यहाँ पे क्रोमा की कर लेता हूँ। आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव करना अच्छे से तरीके से सीख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन आता है इसको आप लोगों को थोड़ा आगे ले जाना है एंड इसको आप लोगों को रखना है 68 या 69 पे। तो यहाँ पे आप लोग परफेक्ट होता है 68, इसको आप लोग सेलेक्ट करो एंड ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप लोग रखो 32% पे। इसको करने के बाद आप लोग देखो हल्का हल्का बैकग्राउंड आपका कट गया है एंड इसके बाद थोड़ा सा रह गया है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर की कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आप लोग देखो इसकी जो पोजीशन है इसको आप लोग किसी भी तरह से घुमा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर आप लोग देखो आर वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर रेडियस में तो इसको आप लोग क्लिक करो और यहाँ पर इसको रखो 30 वाले ऑप्शन पे। 30 पे आप लोग क्लिक कर सकते हो तो यहाँ 26 है तो यहाँ 30 हो गया एंड सेलेक्टेड। तो आप लोग देखोगे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा इस तरह से, जिससे अच्छी तरह से क्रॉप हो जाएगा एंड इसको थोड़ी सी साइज को बढ़ाएंगे एंड इसे यहाँ ऐड कर देंगे। तो आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो जो है यहाँ पे आधी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आप लोग कलर एडजस्टमेंट में जाओ एंड इसको फुल कर सकते हो, ये आप लोग अपने हिसाब से डार्क एंड शैडो आप लोग ऐड कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे मेरा आधा वीडियो एडिट हो चुका है। इसके अंदर आप लोग चाहो तो अपनी वॉइस में थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आप लोग इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो कंप्रेशर, इसको आप लोग इनेबल करो या ऑफ आप लोग कर सकते हो। क्लिक करने के बाद अब आप लोग देखो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो और अपनी वीडियोज़ को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्लिक वाले लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट पर क्लिक करो। टेक्स्ट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो इसके अंदर आप लोग जो भी चीज़ आप लोग अपनी हेडिंग में लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये वीडियो जिस टॉपिक पे है उसी को लिख देते हैं, जैसे कि हाउ टू एडिट शॉर्ट्स, ठीक है ये मैंने लिख दिया हाउ टू एडिट शॉर्ट्स एंड इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इस पर फॉन्ट को ऐड करना सीखूँ तो यहाँ पे मैं अपना एक बेस्ट फॉन्ट ऐड करता हूँ जो कि होता है लेटो बॉन्ड्स का। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इसको इस तरह से जूम कर दूँगा, ठीक है आप लोग इसको जैसे इसको ऊपर की तरफ ऐड कर लो। अब इसके बाद आप लोगों को जो बैकग्राउंड होता है उसको आप लोग लेयर से ऐड मत करना, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करो एंड बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग जैसे इनेबल करते हो तो इसकी आप लोग साइड में क्लिक करना कलर ग्रेडिंग पे और इसको आप लोग थ्रू एकदम फुल ऑफ फुल कर देना 100%, जिससे कि पीछे का जो कलर होगा एकदम डार्क दिखेगा। तो आप लोग इस तरह से हाउ टू एडिट यूट्यूब शॉर्ट्स को एकदम हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग लेयर पे क्लिक करना एंड मीडिया वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपना चाहो तो गूगल से या कहीं से भी एक YouTube शॉर्ट का जो लोगो होता है शॉर्ट चैनल पे उसको आप लोग ऐड करो। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा एंड इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो आप लोग देख रहे हो इस तरह से यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है लोगो। अब इसी के बाद आप लोग चाहो तो अपनी वीडियोज़ के अंदर अपना इंस्टाग्राम का जो URL होता है या लिंक जो आप लोगों का ID है उसको आप लोग ऐड करो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मीडिया पे क्लिक करूँगा एंड ये मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है एडिट किया हुआ ही है तो आप लोग भी चाहो तो इसे बना सकते हो, बहुत ईजी है। इसको मैं आप लोग इस तरह से ऐड करो तो आप लोग देखोगे आप लोग भी एक फैक्ट वीडियो बनाना सीख जाओगे। बस कॉमन ये चीज़ होती है कि आप लोग जो चीज़ बोल रहे हो ना वही
पीछे बैकग्राउंड में चलनी चाहिए, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग देखोगे इस तरह से आप लोग अपना एक फेस वाली वीडियो बना सकते हो। अब सेकेंड चीज़, आप लोग वॉइस ओवर वीडियो कैसे बना सकते हो उसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी जो वीडियो है उसे हटा दो सबसे पहले तो, और यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है उसे भी हटा दो, ठीक है, और यूट्यूब शॉर्ट का लोगो भी आप लोग क्लिक कर हटा दो बिल्कुल। अब इसके बाद जो वीडियो आप लोग बोलने वाले, जिस टॉपिक पे आपकी वीडियो है वो तो आपके बैकग्राउंड में चल रही है, बट इसके बाद आप लोग वॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे कोई अच्छा सा माइक का यूज़ करना जिससे आपके बाद एकदम क्लियर आए, और उसके बाद स्टार्ट पे आप लोग क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे आपकी वॉइस ओवर होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से आप लोग एक वॉइस ओवर यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हो, भले वो फैक्ट में हो या किसी भी चीज़ में हो सकती है। सो इसे हम लोग स्टॉप करेंगे एंड आप लोग देखोगे हमारे जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो फॉन्ट है इसका कलर आप लोग येलो या रेड आपके अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा हाईलाइट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप लोग मेरी तरह एक फैक्ट वीडियो बना सकते हो। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे भी कैसे आप लोग अपने YouTube शॉर्ट्स के लिए या Instagram रील्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट कर सकते हो। बड़ा सिंपल मेथड है, आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग परफेक्ट होते जाओगे। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करो, और Instagram पे मुझे देख रहे हो तो मुझे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।